Hello and welcome to 90 Production Films and Music. I am Dikshant and this is Inside a Movie. अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। इस वीडियो में हम बात करेंगे 2004 की फ्रेंच फिल्म द कोरस के बारे में, जो कहानी है एक बेरोजगार म्यूजिक टीचर की, जिसे कुछ ऐसे बच्चों को पढ़ाने की नौकरी दी जाती है जिन्हें पढ़ाना किसी के लिए आसान नहीं। साल 2004 में अमेरिका में परफॉर्म करने आए फ्रेंच ऑर्केस्ट्रा कंडक्टर पियर को एक दिन खबर मिली कि उसकी माँ की मौत हो चुकी है। इस खबर से परेशान होने के बावजूद उसने परफॉर्मेंस दी और परफॉर्मेंस के बाद वो फ्रांस चला गया। फ्यूनरल होने के बाद रात को उससे मिलने पेपिनो नाम का एक पियर का पुराना दोस्त आया। पहले तो पियर उसे पहचान नहीं पाया क्योंकि वो दोनों करीब 50 सालों बाद मिल रहे थे, पर फिर पियर को अपना दोस्त और उन दोनों का बॉयज म्यूजिक ग्रुप भी याद आ गया। पियर अपने टीचर क्लेमो मैथ्यू के बारे में जानना चाहता था और तब पेपिनो ने उसे क्लेमो की वो डायरी दी जो वो उन्हें म्यूजिक सिखाते वक्त अपने पास रखा करता था, और पियर ने उस डायरी में क्लेमो और उन बच्चों की कहानी पढ़ी। कहानी की शुरुआत हुई January 15, 1949 में, जब क्लेमो मैथ्यू एक बेरोजगार और हारा हुआ म्यूजिशियन एक बोर्डिंग स्कूल में पहुंचा और उसका स्वागत एक लड़के ने किया जो सैटरडे का इंतजार कर रहा था क्योंकि तब उसके पिता उसे लेने आने वाले थे। वो लड़का छोटा पेपिनो था। क्लेमो को लेने वहाँ का वॉचमैन मैक्सेंस आया, जो वॉचमैन के काम के अलावा उस स्कूल में नर्स, स्टोर कीपर और मरम्मत का काम भी किया करता था। क्लेमो ने एक बच्चे को सजा काटते हुए देखा और तब वो सोचने लगा कि आखिर ये बच्चे और ये स्कूल असल में है कैसे। तभी वहाँ स्कूल का हेडमास्टर आया जो एक खड़ूस और स्ट्रिक्ट आदमी है। अचानक मैक्सेंस किसी बच्चे के लगाए ट्रैप में फंस गया और उसे चोट आई, जिसके बाद मैक्सेंस का काम क्लेमो को करना पड़ा। सारे बच्चों को असेंबली में बुलाकर उनसे ये कहा गया कि जिस भी बच्चे की वजह से मैक्सेंस को चोट लगी है वो सामने आ जाए क्योंकि उसे कड़ी सजा दी जाएगी। क्लेमो स्ट्रिक्ट दिखने की कोशिश करता रहा पर उसे देखकर बच्चे सिर्फ हंसते रहे। हेडमास्टर ने क्लेमो से कहा कि अब इनमें से किसी एक बच्चे को सजा मिलेगी और उसे किसी भी एक बच्चे का नाम लेना होगा, और नाम लेते ही वहाँ के फिजिकल एडुकेशन टीचर शाबेर ने उसे सजा दी। जिस टीचर की जगह क्लेमो आया था उसने बताया कि एक बच्चे ने उसे कैची से मारा था, इसलिए वो ये जगह छोड़कर जा रहा है, और जाते जाते उसने बताया कि ल कैरेक नाम के एक लड़के ने मैक्सेंस को चोट पहुंचाई है और उस बच्चे पर क्लेमो नजर रखे। उसने ये भी कहा कि पियर नाम का लड़का दिखने में भोला भाला है पर उससे बचकर रहना चाहिए। क्लेमो के क्लास में जाने का वक्त आ गया था और वो उन बच्चों के कारनामों और उनकी शैतानियों से डरते हुए उस क्लास तक पहुंचा, और क्लास में जाते ही उन बच्चों ने उसे परेशान करना शुरू कर दिया। तभी वहाँ हेडमास्टर आ गया और बच्चे चुप हो गए। हेडमास्टर उन बच्चों को सजा देने ही वाला था कि तभी क्लेमो ने कहा कि उन बच्चों ने कुछ नहीं किया है। हेडमास्टर के जाने के बाद क्लेमो ने एक बच्चे को एक कोने में खड़ा रखा और लकेरेक को ढूंढने लगा। जिस बच्चे को कोने में खड़ा किया गया था वही लकेरेक था, और उसे हेडमास्टर के पास ले जाने से पहले क्लेमो ने पियर को अपना क्लास संभालने के लिए कहा। क्लेमो ने देखा कि हेडमास्टर बहुत बुरी सजा देता है और इसलिए डरे हुए लकेरेक को उनके सामने ना ले जाने का उसने फैसला किया, पर उसने लकेरेक से कहा कि सजा के तौर पर उसे मैक्सेंस का नर्स बनकर रहना होगा। क्लेमो बाकी टीचर्स से अलग था और उसने बच्चों की शैतानियों से डील करने के लिए मजाकिया तरीके अपनाए और उन बच्चों को हंसाने लगा। वो बच्चे जल्द ही क्लेमो की बातें मानने लगे और अपना हर काम करने लगे, सिवाय पेपिनो के जो हर वक्त उदास रहता था। इस तरह उस डरावनी स्कूल के डरावने बच्चों के बीच क्लेमो ने अपना पहला दिन पूरा किया। अगले दिन मैक्सेंस के पास जाने पर उसने देखा कि लकेरेक उसकी देखभाल कर रहा है। मैक्सेंस ने उस वक्त बताया कि मूतो नाम के एक लड़के ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी और इसलिए उसे यहाँ के बच्चों पर दया आती है। मैक्सेंस उन बच्चों से हमेशा अच्छा बर्ताव करता आया है और उसके बर्ताव को देखकर लकेरेक को अपने किए पर पछतावा होने लगा। क्लेमो ने हेडमास्टर से कहा कि वो जानता है मैक्सेंस को चोट किसने पहुंचाई है, पर उसे सजा देने का काम वो खुद करना चाहता है और वो चाहता है कि हेडमास्टर उससे उस बच्चे का नाम कभी नहीं पूछे। उन बच्चों ने क्लेमो की बैग चुरा ली और उन्हें कुछ म्यूजिकल नोट्स मिले जिन्हें वो समझ नहीं पाए। क्लेमो अपने लिखे गानों को वापस लेने गया, पर इस बदमाशी के बारे में भी उसने शाबेर को नहीं बताया क्योंकि शाबेर खुद भी हेडमास्टर जैसा ही स्ट्रिक्ट था। कुछ वक्त बाद उसने उन बच्चों को उसका मजाक उड़ाकर गाना गाते हुए सुना। तब उसने उन लोगों से कुछ नहीं कहा, पर उसके दिमाग में एक प्लान आया। उसे लगने लगा कि ये बच्चे गा सकते हैं और इसीलिए उसने उनके साथ एक क्वायर बनाने की तैयारी की। मैक्सेंस की तबीयत बिगड़ने लगी और उसे हॉस्पिटल भेज दिया गया,
और इस बात से सबसे ज्यादा लकेरेक परेशान हुआ। पेपिनो पढ़ाई में कमजोर था और क्लेमो उसकी मदद करने की कोशिश करने लगा, पर पेपिनो फिर भी सवालों के जवाब समझ नहीं पाया। ठीक उस वक्त पियर ने हेडमास्टर की ड्राइंग बनाकर उसे गुस्सा दिलाया और ना चाहते हुए भी क्लेमो को पियर को सजा देनी पड़ी। शबेर ने एक रात बताया कि पेपिनो एक अनाथ है, पर वो ये मानने को तैयार नहीं कि उसके माता पिता एक एक्सीडेंट में मर चुके हैं और इसीलिए हर सैटरडे वो गेट पे खड़ा अपने पिता का इंतजार करता है। पियर से मिलने को ही आया था, पर क्लेमो को उसके पास भेजा गया क्योंकि वो पियर से किसी को मिलने नहीं दे सकते थे। जब क्लेमो ने देखा कि पियर से मिलने उसकी माँ आई है, तो उसने उनसे कहा कि उसे सजा नहीं दी गई है बल्कि उसे डेंटिस्ट के पास ले जाया गया है, इसीलिए वो उससे नहीं मिल सकती। पियर की माँ वायलेट एक विधवा है जो ये नहीं चाहती थी कि उसके बेटे को यहाँ भेजा जाए, पर वो ऐसा होने से रोक नहीं पाई और आज उसे देखते ही क्लेमो को वो पसंद आने लगी और उसके लिए क्लेमो को बुरा लगने लगा। क्लेमो ने हर एक बच्चे के वोकल सुनकर उन्हें कोयर में उनकी जगह देनी शुरू कर दी। उनमें कई बच्चे अच्छा गाते थे, पर कुछ बहुत ही बुरा गाते थे। पेपिनो को कोई गाना नहीं आता था, इसलिए उसे क्लेमो ने अपना असिस्टेंट बना लिया और फिर उन बच्चों की प्रैक्टिस शुरू हुई, जिसकी मदद से क्लेमो उन्हें डिसिप्लिन में रहना सिखाने लगा। दिन रात वो उन्हें कोरस में गाना सिखाता गया और उसने हेडमास्टर को बताया कि वो बच्चे गाने लगे हैं, जो सुनकर वो हेडमास्टर हैरान हो गया। पियर अब तक अपनी सजा काट रहा था, पर उसे कोयर की आवाज सुनकर गाने का मन हुआ और वो अकेले में प्रैक्टिस करने लगा। एक दिन स्कूल में बाकी बच्चों से बड़ी उम्र के लड़के मोंदे को लाया गया, जो एक बेहद बदतमीज लड़का था और दिन पे दिन उसकी बदतमीजियां बढ़ती गई। पियर को भी क्लास में आने की इजाजत मिली, पर उसने गाना गाने से इनकार कर दिया। मोंदे पियर को परेशान करने लगा और उसकी माँ के खिलाफ बुरी बातें कहने लगा, पर एक दिन मोंदे पकड़ा गया और उसे 2 हफ्तों के लिए लॉकअप में बंद कर दिया गया। पियर एक दिन स्कूल से भाग निकला और अपनी माँ को काम करते देख वो वापस स्कूल आ गया, पर क्लेमो ने कभी किसी को नहीं बताया कि पियर स्कूल से गायब था। एक रात क्लेमो को पेपिनो से पता चला कि मोंदे उससे कमरे में जाने के लिए पैसे मांग रहा है और गुस्से में वो मोंदे के पास गया और उसे पेपिनो से दूर रहने के लिए धमकाने लगा। वहाँ से निकलते ही उसने पियर को गाते हुए सुना और उसे पता चला कि पियर एक बहुत ही अच्छा सिंगर है। तब उसने पियर से कहा कि वो जानता है पियर असल में बदतमीज नहीं है और वो उसे सही राह पर लाने की पूरी कोशिश करेगा। अगले ही दिन उसने पियर को सिंगिंग सिखाना शुरू कर दिया और उसे लीड वोकलिस्ट बनाकर धीरे धीरे एक बेहतरीन कोयर तैयार करने लगा। उस कोयर का गाना सुनकर वहाँ एक टीचर आया, जिसे उनका गाना किसी चमत्कार से कम नहीं लगा और वो कहने लगा कि उसे भी गाना पसंद है। कुछ वक्त बाद क्लेमो ने खिड़की से बाहर कुछ देखा, जिसे देखते ही वो जल्द से जल्द तैयार होकर दौड़कर बाहर आया। वायलट पियर से मिलने आई थी और पियर से पहले क्लेमो उससे मिलना चाहता था और उसे बताना चाहता था कि पियर एक बहुत ही टैलेंटेड सिंगर है। पियर के दिमाग में मोंदे ने ये बात डाल दी थी कि उसकी माँ ने उसे छोड़ दिया है और इसीलिए वो अपनी माँ से नाराज था, पर वायलट इस बात से वाकिफ नहीं थी। मोंदे के अलावा हर एक बच्चा सुधरने लगा था और हेडमास्टर ने भी बच्चों को छूट देना शुरू कर दिया था। एक दिन शाबेर ने बताया कि मोंदे ने उसकी घड़ी चुरा ली है और उसे लॉकअप में बंद कर दिया गया। धीरे धीरे शाबेर और हेडमास्टर भी उन बच्चों में घुलने मिलने लगे और हर हफ्ते बदलते हालातों से क्लेमो को एक नई सफलता मिलती गई। पेपिनो भी खुश रहने लगा और हेडमास्टर ने भी अपने बचपने को बाहर लाकर अब स्ट्रिक्ट होना बंद कर दिया। जल्द ही मैक्सेंस भी लौटकर स्कूल आ गया और बच्चे उसे देखकर बहुत खुश हुए, पर फिर एक दिन सबको पता चला कि मोंदे ने स्कूल से पैसे चुरा लिए हैं और स्कूल से भाग गया है। ऐसा होने पर हेडमास्टर ने फिर से अपना पुराना रूप ले लिया और क्लेमो से कहने लगा कि उसे अब अपनी सिंगिंग क्लासेस बंद करनी होगी। क्लेमो इस बात से निराश हो गया, पर फिर शाबेर ने उसे चौंका दिया जब उसने कोयर को जारी रखने में उसकी मदद करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद मोंदे को पुलिस ने पकड़ लिया और वापस आने पर हेडमास्टर ने उसे पीटना शुरू कर दिया। वो उससे पैसों के बारे में पूछने लगा, पर मोंदे ने पलटकर उसी पर हमला कर दिया और कहा कि उसने पैसे नहीं चुराए हैं। ऐसा होने पर मोंदे को जेल में डाल दिया गया, पर मोंदे के बारे में दूसरे बच्चों को नहीं बताया गया। क्लेमो वायलेट से मिलने लगा, पर वो इस बात से अनजान थी कि क्लेमो उसे पसंद करता है। पर पियर क्लेमो को अपनी माँ से दूर रखने की कोशिश करने लगा और उसकी बदतमीजी देखकर वायलेट को बुरा लगा। क्लेमो ने वायलेट को बताया कि वो चाहता है पियर को एक बड़े शहर में बेहतर पढ़ाई के लिए म्यूजिक की स्कॉलरशिप दी जाए और वो इसके लिए कुछ भी करेगा, पर साथ ही उसे पियर का बर्ताव भी ठीक करना था, इसलिए उसने पियर को कुछ वक्त के लिए अपने कोयर से निकाल दिया। एक दिन हेडमास्टर ने बताया कि उस स्कूल की स्पॉन्सर को स्कूल के कोयर के बारे में पता चला है और वो उन्हें गाते हुए देखना चाहती है।
इस बात से हेडमास्टर खुश नहीं था, पर क्लेमो बहुत खुश था। उसकी खुशी दुगनी हुई जब मैक्सेंस ने उसे एक चिट्ठी दी जो वायलेट ने उसके लिए भेजी थी। वायलेट उससे एक जरूरी बात करना चाहती थी और इसीलिए उसने क्लेमो को अकेले एक कैफे में मिलने बुलाया। वायलेट ने उससे मिलकर उसका शुक्रिया अदा किया और कहा कि जब से वो क्लेमो से मिली है तब से उसकी जिंदगी बदल रही है और सब कुछ ठीक हो रहा है। ये सुनकर क्लेमो बहुत खुश था, पर तभी वायलेट ने बताया कि वो एक इंजीनियर से मिली है जिससे उसे प्यार हो गया है। अपने गम को दबाकर क्लेमो वायलेट को उसी इंजीनियर के साथ जाते देखने लगा और वो फिर से पहले की तरह अकेला हो गया और बाकी सब कुछ छोड़कर उसने बच्चों पर ध्यान देना शुरू कर दिया। अगले दिन स्कूल में वो स्पॉन्सर आई जो एक रईस खानदान की वारिस है, पर उसके सामने हेडमास्टर ने ये कहा कि उस कॉयर को तैयार करने का काम उसी ने किया है। अपने काम का क्रेडिट छिन जाने पर भी क्लेमो ने ध्यान नहीं दिया और अपना परफॉर्मेंस शुरू किया, पर पियर को ग्रुप से उसने अलग रखा। पियर निराश था, पर फिर अचानक क्लेमो ने कॉयर को रोका और पियर को गाने के लिए कहा, जिसके बाद उसकी आवाज सुनकर वहाँ मौजूद हर इंसान उस गाने में खो गया। उस दिन को एक साल बीत गया और उस कॉयर को एक नया मेंबर मिल गया जो पियानो तो अच्छा बजाता था पर उसे गाना नहीं आता। एक दिन मैक्सेंस ने बताया कि पैसे चुराने वाला मोंडे नहीं दूसरा लड़का था, जिससे पूछने पर उसने बताया कि उसने पैसे इसलिए चुराए क्योंकि वो स्कूल से भागना चाहता था। क्लेमो ने हेडमास्टर को बताया कि मोंडे ने पैसे चुराए ही नहीं है, पर फिर भी हेडमास्टर ने मोंडे को वापस स्कूल में आने देने से इनकार कर दिया। कुछ वक्त बाद मैक्सेंस ने बताया कि हेडमास्टर शहर गया है कॉयर का क्रेडिट लेने और एक प्रमोशन पाने, और यही बात सच थी। पर प्रमोशन मिलने से पहले ही अचानक हेडमास्टर को खबर मिली कि उसके स्कूल में आग लग गई है। वापस आने पर उसने देखा कि सारे बच्चों के कमरों में आग लग चुकी है और सब कुछ बर्बाद हो गया है। हेडमास्टर ये सोचने लगा कि उन सारे बच्चों की मौत से उसका प्रमोशन रुक जाएगा, पर फिर सबको ये पता चला कि बच्चे स्कूल में थे ही नहीं। उन सबको क्लेमो और मैक्सेंस पिकनिक पर ले गए थे और स्कूल को आग लगाने का काम मोंडे ने किया था। बच्चों की जान उस पिकनिक की वजह से ही बची थी, पर इस बात से खुश होने की बजाय हेडमास्टर ने मैक्सेंस को सस्पेंड कर दिया और क्लेमो को नौकरी से निकाल दिया क्योंकि उसके हिसाब से उन दोनों ने स्कूल के रूल्स तोड़े हैं। वहाँ से जाने से पहले क्लेमो ने कहा कि उसने हेडमास्टर जितना बुरा आदमी आज तक नहीं देखा जो अपनी फ्रस्ट्रेशन उन मासूम बच्चों पर निकालता है और उन्हें एक नर्क की जिंदगी देता है। ये बात हेडमास्टर को बुरी तो लगी, पर वो उल्टा क्लेमो को ही सुनाने लगा। क्लेमो उम्मीद कर रहा था कि वो बच्चे उससे मिलने आएंगे, पर एक भी बच्चा उसे अलविदा कहने नहीं आया। पर तब जमीन पर पेपर प्लेन्स पड़े देखने पर उसे पता चला कि उन बच्चों को जबरदस्ती रूम में बंद कर दिया गया है ताकि वो लोग क्लेमो से मिल नहीं पाए और अपने टीचर का शुक्रिया अदा करने के लिए और उन्हें एक फेयरवेल देने के लिए पेपिनो और पियर के साथ साथ दूसरे बच्चे अपने मैसेजेस उस तक पहुंचाने लगे। वो क्लेमो के सिखाए गाने गाने लगे और अपने आप को एक हारा हुआ म्यूजिशियन मानकर ही क्लेमो वहाँ से चला गया, ये सोचकर कि उसके बारे में अब कोई नहीं जान पाएगा और कोई नहीं मानेगा कि उसने इन बच्चों का प्यार जीता है। क्लेमो की ये डायरी पढ़ने के बाद आगे की कहानी पेपिनो ने पियर को बताई और फिर पियर को अपना बचपन याद आया। उसकी माँ उसे स्कूल से निकाल कर घर ले गई थी और जब उस इंजीनियर ने फिर से पियर को एक बोर्डिंग स्कूल में डालने की कोशिश की, उन्होंने उस इंजीनियर को छोड़ दिया। सारे टीचर्स ने मिलकर हेडमास्टर की सच्चाई दुनिया को दिखाई और उस हेडमास्टर को नौकरी से निकाल दिया गया। क्लेमो ने अपने आखिरी दिनों तक बच्चों को म्यूजिक सिखाने का काम किया, पर किसी को यह सच्चाई उसने बताई नहीं। और क्लेमो की यह सच्चाई पेपिनो को इसलिए पता है क्योंकि वो क्लेमो के पीछे पीछे दौड़ पड़ा था। उस दिन ये साबित हुआ था कि पेपिनो हमेशा से सही था, क्योंकि जिस दिन क्लेमो को नौकरी से निकाला गया वो दिन एक सैटरडे था और क्लेमो पेपिनो को अपने साथ ले गया और सैटरडे को सचमुच पेपिनो को उसके पिता मिल गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।